नमस्कार, आज सुबह की रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटी ने जो है कल शाम को जैसा कि रिपोर्ट दिया कि हम जो है 2019 से 22 सेशन वालों का परीक्षा जो है सितंबर के महीने में कराएंगे, लेकिन उससे पहले जो है कुछ कार्य जो है होने बाकी है, उन कार्यों के पूरा होने के बाद ही जो है परीक्षा शुरू कराई जा सकती है। तो सबसे पहला कार्य है कि दोबारा से परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा यूनिवर्सिटी में पार्ट वन का 2019 से 22 सेशन वालों का। उसके बाद ये होना है कि जो असंबद्ध कॉलेज में यानी कि नॉन अफिलेटेड कॉलेज में जो भी स्टूडेंट एडमिशन ले रखे थे उनका एडजस्टमेंट कराना है। तो इसके लिए एक्सपेक्टेड डेट जो है 15 तारीख बताई है, जिसमें कि कही कि 15 तारीख तक हम सभी को जो है दूसरे कॉलेज में एडजस्ट करा लेंगे, उसी के हिसाब से जो भी जो परीक्षा फॉर्म भरेंगे। क्योंकि इनको जो है कन्फ्यूजन होगी कि इनकी कौन से कॉलेज में शिफ्टिंग कराई गई है, किस कॉलेज में टैग कराया गया है, इसके लिए यूनिवर्सिटी थोड़ा और टाइम ले रही है। खैर, यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुकी है। कोरोना में हालांकि सारी यूनिवर्सिटी पीछे हो चुकी थी, सारी यूनिवर्सिटी की परीक्षा रुक चुकी थी। पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो, इन सभी यूनिवर्सिटी की परीक्षा बीच में रुक गई थी क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और परीक्षा की अनुमति भी नहीं थी। तो अब जो है हमारी बिहार यूनिवर्सिटी भी जो है होश में आ जाए, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज ने तो अपना जो है परीक्षा लेना शुरू कर दिया है। द्वितीय खंड का जो है परीक्षा जो है लेने के लिए तैयार है पटना यूनिवर्सिटी। पहले जो इन्होंने पार्ट थ्री का पहले परीक्षा करा लिया है और UGC का जो है गाइडलाइन का फॉलो भी कर लिया है कि इन्होंने जो है अपने जितने भी बैक सेशन के स्टूडेंट थे उन सभी का परीक्षा क्लियर करके और उनको जो है रिजल्ट देने का जो है वादा भी कर दिया है और रिजल्ट भी उनका मिल जाएगा समय पर। अब TMBU यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, यानी कि तिलक मांझी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें भी जो है इनका 20 सितंबर से परीक्षा जो है शुरू कराया जा रहा है पार्ट वन का 2019 से 22 सेशन वालों का। और इनका तो खैर सब्जेक्टिव ही लग रहा है क्योंकि 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक की जो है टाइमिंग रखी गई है, तो सब्जेक्टिव ही हो सकता है पेपर है। सारा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। खैर, बिहार यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई शेड्यूल नहीं जारी किया है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी ने एक्सपेक्टेड जो है डेट बताया वो भी कि 20 सितंबर से हम जो है परीक्षा शुरू करा सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सिटी की परीक्षा जो है टाइम बॉम्ब बन चुकी है, अब ये कभी भी फट सकता है और आपको जो है परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने लास्ट जो है अपना फैसला कल ले लिया है, जिसमें कि यही कहा है कि एडजस्टमेंट करा करके डेट जल्दी से जल्दी जारी करके एडमिट कार्ड वगैरह जो आप लोगों को दे देंगे। तो हमारे जो नए परीक्षा नियंत्रक है डॉक्टर संजय कुमार जी, इन्होंने कहा है कि बाकी यूनिवर्सिटी में तो परीक्षा जो है तेज़ी से चल रही है, तो अपनी यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा की दौर जो है शुरू हो चुकी है 26 तारीख से। हालांकि तो अब जो है इसी बीच में जो है जितने भी UG PG की परीक्षाएं हैं वो करा ली जाएंगी और लगभग 2 से 3 महीने तक जो परीक्षा का सिलसिला चलेगा। खैर, अभी सितंबर है और इलेक्शन से इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस बार कहा गया है CM की तरफ से कि इलेक्शन भी चलेगी और कोई भी परीक्षा बाधित नहीं होगी। जो भी मतलब इलेक्शन के सेंटर्स होंगे उसे जो है मैनेज कराया जाएगा और परीक्षा सेंटर को भी जो है यूनिवर्सिटी को मैनेज करना रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कब होगा एग्ज़ाम, तो आपको मैं एक एक्सपेक्टेड डेट यही बता रहा हूँ कि 20 सितंबर के लिए जो है आप लोग तैयार रहिए, 20 सितंबर से आपका परीक्षा शुरू हो सकता है। तो ये है पार्ट वन का एक्सपेक्टेड डेट, यानी कि 20 सितंबर एक्सपेक्टेड डेट है परीक्षा की। हालांकि जो भी छात्र एवं छात्राएं बाहर है, मतलब बिहार से बाहर है, उनको जो है हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए और अपना जो है डेली न्यूज़ जो है सुनते रहना चाहिए। जब भी कभी आएगी रिपोर्ट उसी टाइम आपको जो है रिपोर्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो बस शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और आप जो है अपनी गेस्ट पेपर से तैयारी और मॉडल पेपर देख करके तैयारी करते रहें।